नमस्कार, कैसे आप सभी। जनता कर्फ्यू जिस प्रकार से सफल रहा, उसी प्रकार से आगे भी आप जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वयं सुरक्षित रहे और स्वच्छ रहे। साथियों, आज हम साइंस का प्रकाश से एक कदम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। आज हमारा टॉपिक में 6 बिंदु है, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण पर प्रभाव, समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनना, समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी, पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है, और बहु प्रतिबिंब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इन्हीं में से बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। अब रिपीट होते हैं तो आपको एक बार समझना है, अब एक बार समझने से माइंड क्या हो जाएगा, आपका फिक्स हो जाएगा, अब कभी नहीं भूलेंगे। चले लास्ट तक देखिएगा वीडियो, अच्छा लगेगा तो लाइक करें, कमेंट करें, हम शेयर जरूर करें। चले देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक सिंपल सा परिभाषा है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। ये एक समतल दर्पण है, मान के चलिए, ठीक, एक समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में आप देखेंगे कि जिसकी परावर्तक जो पृष्ठ होता है, उधर से प्रकाश किरणें चलती है। तो यहाँ से एक प्रकाश किरणें एक माध्यम से चलकर जब जाती है तो दूसरे माध्यम के चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है, माध्यम वन, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं माध्यम टू। दूसरे माध्यम के चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट, माध्यम वन में वापस आ रहे हैं। तो इस परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक अभिलंबवत होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया आपका अभिलंब, जो सीधा एक रेखाएँ खींची जाती है। और यहाँ पर आपको यह समझना है, ये हो गया आपके जो समतल दर्पण की चिकनी सतह से जाकर टकरा रही है, उसे बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। और जो परावर्तन के पश्चात वापस आ रहे हैं उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या है आपके अभिलंब, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ इसका, ए बी सी, चलो लिख देता हूँ ए बी सी और ये डी, जैसे भी। अब यहाँ पर देखेंगे ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे आई से दर्शाया जाता है, कोण आई, ठीक है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर से दर्शाया जाता है। कभी कभी ये किसी को मापने नहीं आता, भूल जाते हैं कैसे मापा जाए। प्रश्न क्या कहता है कि आपतन कोण का मान कितना है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो लोग यहाँ से चांदे को इस प्रकार से चांदा रखा हुआ है तो चांदे को इधर रखते हैं इसे उल्टा और मापते हैं, ऐसा नहीं। आपको चांदे को कैसा रखना है, इस प्रकार से रखना है, 90 अंश, 90 अंश यहाँ आएगा और यहाँ रखना है, ये मापेगा। यदि इसको आप इस प्रकार से रखेंगे ऐसा तो यहाँ इधर मापेगा, मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को मापना है, इसको नहीं मापना है, इसको नहीं मापना है, इसको तो मापने भी आना चाहिए कि कितने अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा टॉपिक था। इसमें एक बात आती है कि कहा जाता है कि जितने अंश अभिलंब से आपतन कोण होता है उतनी ही दूरी परावर्तन कोण बनता है, मतलब यदि कोण आई बराबर 45 अंश है तो कोण आर बराबर भी कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, ठीक है, दोनों का आपस में बराबर। और यहाँ पे आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण समतल दर्पण के एक ही बिंदु पर बनते हैं, जिसे आपतन बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी में हम देखते हैं कि जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर टकराकर
पुनः उसी माध्यम में आते हैं तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। एक होता है आपका चाल मतलब वेग, दूसरा होता है तरंग धैर्य, ठीक है, तीसरा होता है इसका आवृत्ति, ठीक है, और चौथा होता है कालांतर। अब हमको ये देखना है कि जब प्रकाश किरण चिकनी सतह से टकराकर वापस आते हैं इधर तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, कौन कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इसके वेग जब टकराते हैं तो इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तरंग धैर्य भी, तरंग धैर्य आपको समझते होंगे, तरंग धैर्य किसे बोलते हैं, इस प्रकार से यदि प्रकाश जा रहा है, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, है ना, तो इस प्रकार से याद रखिएगा ये से क्या है, इनके दोनों के बीच की दूरी और ये दोनों के बीच की दूरी या इस दोनों के बीच की दूरी, इस प्रकार से इसको बोलते हैं तरंग धैर्य। तो तरंग धैर्य भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति एक सेकंड में प्रति सेकंड कंपाउंडों की संख्या, ये भी क्या है, परिवर्तन नहीं होते। तो याद है इसमें केवल कालांतर उत्पन्न होती है, कालांतर का मतलब होता है समय, और ये किस पर निर्भर करता है, पदार्थ दर्पण की प्रकृति पर, ठीक है, इस प्रकृति पर निर्भर करता है कि दर्पण किस प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें कालांतर में ही क्या होता है, परिवर्तन आता है, ना कि आपकी चाल, तरंग धैर्य और आवृत्ति में। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि परिवर्तन के, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चमकीली से टकरा कर आते हैं तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है, इसमें क्या परिवर्तन, तो तीनों यदि देते हैं तीनों परिवर्तन नहीं होते, इनमें से कोई नहीं। यदि ये दे दिया तो ये परिवर्तन होते हैं, वो भी उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, इतना आपको याद रखनी है। अब एक बात बताइए, यदि इस दर्पण के कहीं पर अवरुद्ध उत्पन्न हो जाए, जैसे कि पूरा दर्पण है ना, इस प्रकार से अवरुद्ध उत्पन्न हो जाए तो प्रकाश के परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, प्रकाश के परिवर्तन होगा ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं दर्पण, इसी में हम देखते हैं दर्पण का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण पर प्रभाव। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, चलिए ये हो गया एक समतल दर्पण ए, इसको मैं मानता हूँ ओ, बी इसको मान लेता हूँ सी, ठीक है, ये समतल दर्पण है एक इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण कौन सा है, ये आपके ये है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो है आपके क्या है आपका आपतित किरण और ये क्या है आपके परावर्तित किरण, ठीक है। चलिए आपको दिख रहा होगा ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, मतलब आपतन कोण दिखे ना, समतल दर्पण बिंदु वस्तु दर्पण के घूमने पर, मतलब इस दर्पण को हम इस टाइप पे घुमा देते हैं। चलिए ये हो गया आपका ये वाला, ध्यान से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार समझ गए कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये दर्पण ये रखा हुआ है और यहाँ पर ये इस प्रकार से इसका ये बना हुआ है, ठीक है ना। अब मैं इस दर्पण को इस प्रकार से घुमा देता हूँ, ये देखो ऐसे घुमा देता हूँ ऐसा, ठीक है, ये इस प्रकार से घुमा दिया या यहाँ पे ये इस प्रकार से मैंने घुमा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा उसका परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके द्वारा जो परावर्तित किरण है वो लगभग इस प्रकार से बनेगा, ये सीधा बनेगा और ये इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसा,
मान ले जाए हम इस दर्पण को यहाँ से यहाँ तक 20 अंश सेल्सियस घुमाते हैं और इसके जो प्रारंभिक जो कोण था, मान लीजिए यहाँ पे 60 अंश है और ये भी 60 अंश है, मान लिया ये 60 अंश है और ये 60 अंश है और हमने इस दर्पण को 20 अंश डिग्री घुमाया, 20 अंश घुमा दिए, ठीक है। तो इस पर होता क्या है, ये जो दर्पण के घूमने से जो परावर्तित, ये देखो पहले क्या था, ये परावर्तित किरण था, ये वाला परावर्तित किरण था, अब ये क्या आ गया, यहाँ से इतना आ गया, ठीक है ना। तो ये होता क्या है, आपको बारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, जब इस प्रकार से घूमता है तो परावर्तित किरण, यदि हम दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 अंश 20 अंश 30 अंश, तो परावर्तित जो किरण होते हैं दर्पण को यदि हम थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित जो किरण होती है, परावर्तित किरण वो 2 थीटा अंश घूमता है। सपोज यदि मैं इसको 10 अंश घुमाता हूँ तो परावर्तित किरण 20 अंश घूमेगा, यदि मैं दर्पण को 20 अंश घुमाता हूँ तो परावर्तित किरण 40 अंश घूमेगा, दर्पण को यदि मैं 25 अंश घुमाता हूँ तो परावर्तित किरण जो है 50 अंश घूमेगा, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब दर्पण जितने अंश घूमेगा उसका डबल जो है परावर्तित किरण घूम जाता है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। अब इसी में एक प्रश्न आ रहा है कि अब पहले कितना था, 60 अंश था आपतन कोण और परावर्तन कोण, अब घूमने के बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा, तो याद रखना पहले कितना था, 60 अंश था, कितने अंश घुमाया दर्पण को, 20 अंश घुमाया, अब कितना हो जाएगा ये 40 अंश हो जाएगा, कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना हो जाएगा दोनों 40 40 अंश, मतलब जितना घुमाओगे पहले जितना रहा होगा जितना घुमाओगे उतने अंश इसमें घटा देना है तो आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण भी निकल जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनना। मान लिया जाए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से समतल दर्पण है, ठीक है। अब इस समतल दर्पण के सामने कोई इस प्रकार से बिंदु वस्तु रखी गई है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आँख है, हम यहाँ से देखेंगे इसको, यहाँ से देखेंगे नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से प्रकाश चलेगी, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक यहाँ से चलेगी इस प्रकार से ऐसा, ठीक है, ये आँखों में पड़ेगी ऐसा, और ये जो है आपको इस प्रकार से आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बिंदु वस्तु आपको दिखाई देगी जो इसकी प्रतिबिंब होगा, ठीक है, जो इसके क्या होंगे, प्रतिबिंब होंगे, इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये हो गया वस्तु और ये हो गया प्रतिबिंब, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो ये जो है आपको इस प्रतिबिंब, ये जो प्रकाश किरणें हैं आप यहाँ से देख रहे हो, वस्तु को देख रहे हो, दर्पण पे देख रहे हो, तो ये जो बिंदु है ये है ना वस्तु प्रतिबिंब, यहाँ से आपको आते भी दिखाई देगी, वाकई में आ रही यहाँ से ना, प्रकाश कहाँ से आ रही, इस वस्तु से परिवर्तन होने के बाद इधर, लेकिन हमको लगेगा कि जो प्रकाश किरणें हैं इस प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत हो रही, प्रतीत हो रही मतलब आभास हो रहा है, तो आभास हो रहा है मतलब क्या होगा, काल्पनिक है, काल्पनिक और आभासी दोनों का एक समझ बोलते हैं ना, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, आभासी बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि यदि यहाँ पर टिक लगा दोगे टिक यहीं पर लगेगा, है ना, मतलब ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा। तीसरा नंबर में सीधा तो बनेगा लेकिन वस्तु के बराबर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। एक चौथा और आता है, हमेशा इसी को बोला जाता है कि
कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। एक चीज और आता है इसी में ऐड करना है आपको, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा बनता है, पार्श्विक मतलब जैसे हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो हमारे ये भुजा आपको इधर दिखाई देगा, उल्टा बनेगा, ऐसे उल्टा बनता है ना, उल्टा। तो पार्श्विक उल्टा कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं, ये नहीं रहता या ये नहीं रहेगा, तीनों में से एक नहीं रहेगा, तो पार्श्विक उल्टा आपको याद रखनी है। तो ये हो गया कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर और पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक मतलब ये उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना है, जैसे यदि कोई वस्तु यहाँ पर है, अब आप जो है इसको यू वेग से दर्पण की ओर आगे बढ़ा रहे हो, दर्पण की ओर आगे बढ़ा रहे हो, तो प्रतिबिंब जो है उसका दुगुना वेग से चलते हुए प्रतीत होती है। यदि आप एक चीज़ याद रखना, यदि आप दर्पण की ओर आगे बढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि दर्पण में जो उधर है प्रतिबिंब वो आपसे दुगुना वेग से वो आपकी तरफ आ रही है। मतलब V वेग से चलोगे U वेग से तो 2U वेग से दर्पण में प्रतिबिंब चलती हुई प्रतीत होती है, ये आपको याद रखना, मतलब दुगुनी वेग से चलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। आपको याद रखनी है, यदि दर्पण के कोई भाग अवरुद्ध हो गया, दर्पण का कोई भाग अवरुद्ध हो गया जिसमें प्रकाश नहीं, फिर भी प्रकाश का परावर्तन होगा, जैसा होना था वैसा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अवरुद्ध हो गया फिर भी प्रकाश का परावर्तन होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो ये आपको याद हो गया कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। अब यहीं पे देखेंगे, यदि इस वस्तु की दूरी समतल दर्पण से जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ये भी याद रखना कि समतल दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी में आपको प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देगा, ये भी याद रखना है। जैसे यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब देखो, समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी मैंने बता दिया, मतलब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ये और ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमको देखना क्या है, पांचवा, पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी लंबाई की दर्पण की आवश्यकता होती है, ठीक है। मान लो जाइए क्या है आपका समतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु इस प्रकार से खड़ा हुआ है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई की दर्पण की आवश्यकता, या बोल सकते हो अपनी पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपके बराबर की वस्तु देखने के लिए कितनी। तो याद रखना, जितनी आपकी ऊंचाई है, जितनी आपकी ऊंचाई है उसकी आधा दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। यदि वस्तु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम 10 सेंटीमीटर होना चाहिए ताकि आपकी पूर्ण प्रतिबिंब देखा जा सके। यदि दर्पण का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर है, सॉरी वस्तु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु के आधा होना चाहिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, आपको इतना याद रखना है। लास्ट है, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बहुत लोग थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बहु प्रतिबिंब के मतलब होता है एक से अधिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दर्पण के रखने पर डिपेंड करता है कि दर्पण किस प्रकार से रखा हुआ है, कितने अंश पर रखा हुआ है, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश,
90 अंश, इस प्रकार से कितने अंश पर दर्पण को, एक से अधिक दर्पण को रखा गया है उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे यदि दो दर्पण को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए, एक दूसरे के समानांतर रख दिया जाए तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, है ना, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगे, अनंत, मतलब आप इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनगिनत होंगे, आप गिने नहीं, इतना सारा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रश्न क्या बनता है कि दो दर्पण को समानांतर रखा जाए, दो समतल दर्पण को, तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगी, तो कितनी होगी, अनंत होगी, एक दो तीन चार नहीं होगा, अनंत बनेगा। अब इसी के मैं बोल दूं कि दोनों दर्पणों को 90 अंश पर रखा हुआ है, इस प्रकार से दो दर्पण है जिसको एक दूसरे के 90 अंश पर रखा हुआ, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, 90 अंश पर रखा हुआ है, तो एक फार्मूला है, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, 360 को जितने अंश पर आप दर्पण को रखोगे उतने अंश को नीचे रख देना है और माइनस एक कर देना है, या माइनस एक मत करो, पहले भाग दे दो, सम आता है, भाग देने के पर सम आएगा तब क्या करना है, और विषम आएगा तब क्या करना है, ठीक है, सम आएगा तो एक माइनस कर देना है और विषम आएगा तो कुछ नहीं करना है, भाग देने के बाद संख्या यदि सम आता है तो उसमें एक घटा देना है, है ना, सम आने पर एक घटा देना है, एक घटा देना है, है ना, और विषम आने पर, विषम आने पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे 9 0 0 9 4 36 कितना आया, 4 आया, चूंकि ये सम है तो सम में एक घटा दो कितना आएगा, 3, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, 90 अंश पर 3 प्रतिबिंब बनेंगे। उसी प्रकार से यदि हम 360 को 30 से भाग देते हैं, 0 0, 3 1 3 3 2 9 कितना आया, सम आया, एक घटा दो कितना बचेगा, 11 प्रतिबिंब बनेंगे। 45 से भाग के दे सकते हो या 60 से भाग दे के दे सकते हो, 6 6 का 36 है ना, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, एक घटा दो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यदि विषम आता है, विषम का तो कोई अभी तक इस प्रकार से बना नहीं है, लेकिन यदि बन जाता है, ठीक है, जैसे 360 बटे 120 अंश पर किसी को रखते, किसी दर्पण को, दो दर्पण हैं उसको हम क्या करते हैं, 120 अंश पर रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 3 36 कितना आया, 3। तो इसको हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित, ठीक है, आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई देगा। पहला प्रश्न है हमारे पास, समतल दर्पण को 2θ कोण घुमाने पर परावर्तित किरणें कितने कोण घूम जाती है, सॉरी इसमें थीटा कोण घुमाने पर रहेगा, है ना, या आप बोल सकते हो 2θ घुमाने पर कितने अंश घूम जाते। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण को 2θ कोण घुमाने पर परावर्तित किरणें कितने अंश घूमी जाती है, तो हमने बताया था आपको यदि ये थीटा घूमता है तो परावर्तित किरण 2θ घूमता है, यदि ये 2θ घूमेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4θ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी कितनी होनी चाहिए, है ना, वस्तु के लंबाई के आधा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच रखी है, यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 45 अंश हो तो उस वस्तु वाले प्रतिबिंब होंगे कितने बनेंगे, तो 45 यदि करते हैं, 360 से 45 को भाग देते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, 5, कितना बनेंगे, 5 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, एक मिनट, सॉरी 8, ठीक है, 8 5 40 8 4 32 4 36, ठीक है, कितना बनेंगे, 7, एक घटा देंगे 7 बनेगा। यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी,
यदि वस्तु दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से कितनी होगी, जितनी दूरी प्रतिबिंब बनता है उतनी ही दूरी वस्तु बनती है, तो कितना हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो ऑप्शन है सा वो सही आंसर होगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है क्या होगा, तो आभासी सीधा वस्तु के आकार का बनता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर का, प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अविलंबित आपतित होती हैं उसके परावर्तन कोण का माप होगा। एक चीज़ बताने के लिए भूल गया था मैं, जैसे यदि कोई समतल दर्पण है इस प्रकार से है ना, और कोई परावर्तित किरण, देखो जितना परावर्तित किरण बनता है उतना ही सॉरी जितना आपतित के किरण जिस प्रकार से कोण बनाता है उसी प्रकार से परावर्तित किरण होता है, तो परावर्तित किरण खुद अभिलंब जा रहे हैं इस प्रकार से अभिलंब किसी दर्पण पर, तो वापस जो है उसी दिशा में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परावर्तित किरण और आपतित किरण, इसमें जो आपतन कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन में अपवर्तित होती हैं सिवाय आवृत्ति चाल तरंग धैर्य, आवृत्ति भी अपरिवर्तित रहती है चाल भी और तरंग धैर्य क्या अपरिवर्तित नहीं रहती, कालांतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, अनंत होगी, ऑप्शन नंबर हमारा द सही आंसर होगा। यदि आपतन कोण का मान 60 अंश है और दर्पण को 35 अंश घुमा दिया जाए तो नए आपतन कोण का माप कितना होगा, तो 60 में 35 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 25 अंश, मतलब आपतन कोण का मान कितना आ जाएगा 25 अंश हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसकी आधा मतलब 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये रहा 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इस टॉपिक में आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज इतना ही, थैंक यू।